हाई कोर्ट से मिली राम रहीम संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को 50 दिन की पैरोल की मंजूरी। पहुंच रहे हैं बरनावा आश्रम और सत्संग की भी दे दी गई है मंजूरी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु जी की प्यारी सत्संगत जी, अभी जो लाइन आपने सुनी है बहुत ही अच्छी लाइन सुनी है और इसी की खुशखबरी सभी सत्संगत को पहुंचा दो। सभी सत्संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर कर दो ताकि इस खुशी की खबर को सभी के कानों में जो है गुंझाहट हो जानी चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हजूर पिताजी सुनारिया धाम में काफ़ी टाइम से अपना वक्त बिता रहे हैं और हजूर पिताजी ने 4 अगस्त को जो भंडारा करने की बरनावा आश्रम में अनुमति दी थी, लेकिन वो किसी कारणवश हजूर पिताजी ने कैंसिल कर दिया गया था। ये हजूर पिताजी के वचन आए थे, क्योंकि सत्संगत जी हजूर पिताजी हमेशा जो भी कदम उठाते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ गहराई होती है और हजूर पिताजी ने ये भी बहुत बड़ा कदम उठाया, क्योंकि हजूर पिताजी सभी सत्संगत के बीच में आने वाले हैं। जो मैंने शुरू में लाइन बोली है इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि हजूर पिताजी सत्संगत के बीच में आ रहे हैं या हजूर पिताजी ने सभी सत्संगत को क्या संकेत दिए हैं इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सभी से कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर कर दे ताकि सभी सत्संगत को हजूर पिताजी की इस सूचना के बारे में पता चल सके कि हजूर पिताजी को 50 दिन की पैरोल कब मिल रही है और कैसे मिल रही है, क्योंकि हजूर पिताजी पिछली बार जब आए थे तो 50 दिन की पैरोल पर आए थे और इस बार भी हजूर पिताजी जल्द ही सभी सत्संगत के बीच में आने वाले हैं। सत्संगत जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हजूर पिताजी जब भी आते हैं कोर्ट की अनुमति से ही आते हैं और इस बार भी हजूर पिताजी कोई कोर्ट का उल्लंघन नहीं करेंगे, कोई कोर्ट के खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे। हजूर पिताजी कोर्ट से ही परमिशन लेंगे। हजूर पिताजी ने कोर्ट में याचिका दर्ज की थी पैरोल के लिए, लेकिन कोर्ट ने हजूर पिताजी की पैरोल को खारिज कर दी थी। इस वजह से हजूर पिताजी ने सत्संग को भी कैंसिल कर दिया गया था। जो 4 तारीख में बरनावा आश्रम में भंडारे में जो सत्संग होने जा रहा था उसमें आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी के द्वारा 85 मेंबरों के द्वारा बताया गया था कि वो सत्संग कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन हजूर पिताजी सभी सत्संगत के बीच में जब भी आएंगे तो कोर्ट की अनुमति से ही आएंगे, क्योंकि हजूर पिताजी के द्वारा हजूर पिताजी के वकील के द्वारा कोर्ट में याचिका डाली जाती है कि पैरोल की मंजूरी दी जाती है और कोर्ट जैसे ही हजूर पिताजी का जो आचरण और व्यवहार बहुत अच्छे तरीके से देखती है तो उसको अनुमति देने के लिए मजबूर हो जाती है। कोर्ट जो भी न्याय करती है वो कहीं ना कहीं समक्ष कानून के रूप में होता है और हजूर पिताजी को अभी तक जितनी भी पैरोल मिली थी वो कोर्ट के कायदे और कानून से ही हजूर पिताजी को पैरोल दी गई थी और इस बार भी हजूर पिताजी अगस्त माह के बीच सभी सत्संगत के बीच में जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि 50 दिन की पैरोल जहाँ तक की उम्मीद है हजूर पिताजी को 50 दिन की पैरोल और मिलने बाकी है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोर्ट के कुछ कानून और नियम होते हैं, उन्हीं नियमों के अनुसार हजूर पिताजी को ये 50 दिन की पैरोल भी मिलने की संभावना है, कम ज़्यादा भी हो सकती है। जो भी कोर्ट में नियम होगा वो वकील के अनुसार हजूर पिताजी की तरफ से जो फाइल है दर्ज करा दी जाएगी और कोर्ट के अनुसार जो भी नियम कानून कायदे कानून IPC धारा वगैरह होगी उसी के तहत हजूर पिताजी को जो है कोर्ट से न्याय मिलेगा और हजूर पिताजी सभी सत्संगत के बीच आएंगे, क्योंकि हमेशा से हजूर पिताजी ने अपने आप भी कोर्ट का सम्मान किया है और जो भी सत्संगत हजूर पिताजी के साथ जुड़ी हुई है डेरा सच्चे सिद्धि से जुड़ी हुई है उनको भी हमेशा यही पालन करना सिखाया है, क्योंकि हजूर पिताजी जब पंचकुला कांड में थे हजूर पिताजी ने तब भी सभी सत्संगत को यही बोला था कि सभी को अपने घर पर जाना है और किसी ने भी किसी भी तरीके से कोर्ट का उल्लंघन नहीं करना है। तो सत्संगत ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को इस वीडियो को शेयर कर दे और वीडियो को लाइक करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम डेरे सच्चे सौदे से संबंधित हर एक वीडियो टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। हजूर पिताजी जल्दी सत्संगत के बीच में आएंगे, जैसे ही हजूर पिताजी कोई खबर मिलेगी सबसे पहले हम इस चैनल पर आपको देंगे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।